हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी करंट एनर्जीज फीलिंग्स थॉट्स पर रीडिंग करूँगी। मैं हमेशा यू वर्सेस देम और यू वर्सेस थर्ड पार्टी में दो डिफरेंट डेक यूज़ करती हूँ ताकि एनर्जी क्लियर हो और आंसर्स करेक्ट मिलें। तो डेफिनेटली यू वर्सेस थर्ड पार्टी में जो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप के दरमियान जो भी थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी हमेशा से कोई पर्सन नहीं होता, थर्ड पार्टी बिजनेस, करियर, जॉब, फैमिली एंड एक्स वाई जी फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप थर्ड पार्टी में हैं, अदरवाइज़ तो जब पता ही नहीं है तो फिर क्या किया जाए। ठीक है जनाब, तो इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए तभी आप किसी कंक्लूजन पर, फैसले पर पहुंचिएगा। आप एक सवाल भी पूछ सकते हैं। एक सवाल का आंसर मैं सिर्फ येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर देती हूँ। और जैसे प्राइवेट रीडिंग फ्री नहीं होती, इस तरह एक सवाल का आंसर भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। ठीक है, चलिए जनाब, यू वर्सेस देम, पहले डेक्स को अच्छा सा शफल कर देते हैं ताकि बीच में एक शफलिंग का बैरियर ना हो। इस दौरान अपने आप को रिलैक्स रखिए, बिल्कुल इजी कर लें और किसी भी सोचों में ना पड़े, फ्रेश माइंड रखें। अगर अटके हुए हैं तो भी फोकस करें कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लैरिटी मिले। चलिए, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ठीक है, सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं, फिर आपकी माइंड में क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आपकी पोजीशन क्या है। चलिए, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। सबसे पहले आपके मुताल्लिक, प्लीज़ लेट मी नो, यू वर्सेस थर्ड पार्टी की मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरे व्यूअर की एनर्जी बताइए। द फूल, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, ओके। आप इस वक्त करंट एनर्जी अगर मैं देखूं, काफ़ी परेशानी से गुजर रहे हैं, एंड विद द बॉटम ऑफ द डेक आपका एम्प्रेस का कार्ड आया है, जो मुझे किसी ना किसी तौर पर छुपाना पड़ेगा। चलें, बहरहाल मुझे मालूम है कि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो इसको मैं यूँ कर लेती हूँ। चलिए, ओवरऑल एनर्जी आपकी एम्प्रेस की आई है, दैट मीन्स लुक वाइज यू आर वेरी ब्यूटिफुल इफ फीमेल, और अगर मेल हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, हैंडसम। ठीक है, और डेफिनेटली यू वर्सेस थर्ड पार्टी की रीडिंग है तो आप अफेयर में हैं। एम्प्रेस कार्ड से ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं बिकॉज ऑफ एम्प्रेस कार्ड, क्योंकि ओवरऑल जो एनर्जी आपकी आई है वो एम्प्रेस की आई है। ग्रोथ माइंड सेट है आपका, ग्रोथ ओरिएंटेड हैं आप, करियर ओरिएंटेड हैं, और बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग और बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग। ठीक है, इन तमाम क्वालिटीज़ के बावजूद आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आपके लिए अपनी ज़िंदगी का फ्रेश स्टार्ट लेना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज विद द फूल कार्ड, इफ़ यू सी हियर, फूल कार्ड के फौरन बाद टेन ऑफ वॉन्ड्स है, जैसे कि बहुत सारी जिम्मेदारियां थी आपके ऊपर, और एक ये रिलेशनशिप भी ऐसा आ गया कि इसमें जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा और मज़ीद बढ़ गई है। आप इस सिचुएशन में अभी एट द मोमेंट किसी से कुछ नहीं कह पा रहे हैं, आप एक ऐसे चुंगल में फंसे हैं, आपके ऐसे हाथ पांव बंधे हैं कि चारों तरफ आपके तलवारें ही तलवारें हैं, सोचे ही सोचे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि इतनी स्टक सिचुएशन कैसे हो गई। ऑल्दो आपको पूरी क्लैरिटी है कि ये रिलेशनशिप या ये सिचुएशन मेरी ज़िंदगी की जो भी है, मेरे ऊपर एक बिल्कुल एक ईगल आई की तरह, एक वाइज आउल की तरह मुझे सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ कि चाहते हुए भी अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को फ़िल्टर और डिटॉक्स नहीं कर सकती। मैं चाहूँ भी तो इस रिलेशनशिप में मैं कोई लीप ऑफ फेथ नहीं ले सकती, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, बिकॉज मैं जितना अपनी ज़िम्मेदारियों से बच के एक सेल्फिश होकर आगे बढ़ने की कोशिश करूँ, मुझे पीछे से कोई ना कोई ज़िम्मेदारी, कोई ना कोई परेशानी आवाज़ देगी कि अभी तमाम चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं और किधर को चले भाई। आपका ये अफेयर काफ़ी अपनी पीक पे चल रहा है, और आपको शोल्डर या एक सपोर्ट मिलने के बजाय
लग रहा है कि जैसे आपके ऊपर ही तमाम कोडिपेंडेंसी आती चली जा रही है, आपकी ज़िंदगी के मसले हल होने के बजाय एक और चीज़ आपकी ज़िंदगी में ऐड हो रही है, और इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है, सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि आपका फोकस हट रहा है, आपकी जो कोर प्राइम जिसे कहना चाहिए ना कि जिम्मेदारियां जो हैं उस पर आप सही से फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि शायद आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा टाइम अभी इस रिलेशनशिप की वजह से अपने आप को दे रहे हैं, आपको अच्छा भी लग रहा है, आप खुश भी हो रहे हैं, लेकिन झटके भर झटके जाहिर बज़ाहिर कोई ना कोई आपको याद करा देता है कि भाई तुम्हें शायद खुश रहने का हक नहीं है, कुछ इस तरह की बात है। आप बहुत डेस्परेटली इस नीड में हैं कि आप जो हैं फौरन से बेशतर अपनी ज़िंदगी का फ्रेश स्टार्ट लें, एक लीप ऑफ फेथ लें, आप आज़ाद हो जाना चाहते हैं, इन ज़िम्मेदारियों से आज़ाद हो जाना चाहते हैं, जो भी आपके ऊपर बर्डन है कामों का, ज़िम्मेदारियों का, जिस भी तरह के मसाइल हैं, आप आज़ाद होना चाहते हैं, बिकॉज़ आपको ऐसी जगह पर फंसा दिया गया है सोचों के हिसाब से, हालात के हिसाब से, कि आप निकलना चाहते हैं, और ये एक आपके लिए ज़िंदगी में एक होप है, ये जो रिश्ता यहाँ पर आपका नज़र आ रहा है, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप हैं, आपकी एनर्जी में विद द एम्प्रेस कार्ड ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी हद तक बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, आप अट्रैक्टिव हैं, आपने शायद अपना बहुत सारी चीज़ों में अपना ख्याल रखा है, एक ओवरऑल आपने मेकओवर किया है, मेहंदी लगाई हो, टैटू बनवाया हो, कोई ना कोई ऐसी चीज़ अपने आप को वाटर थेरेपी दी हो, हीलिंग थेरेपी दी हो, कोई मसाज करवाया हो, कलर डाई करवाया हो, चेंज करवाया हो, जस्ट टू गिव योरसेल्फ अ न्यू लुक, आपने कुछ ऐसा ज़रूर कराया जिसकी वजह से डेफिनेटली सब आपको नोटिस कर रहे हैं कि भाई इसके अंदर कैसे चेंज आ रहा है, इसका फोकस अपनी तरफ कैसे जा रहा है। तो ये तो आपकी करंट एनर्जी नज़र आ रही है, लेट्स सी थर्ड पार्टी की तरफ से क्या सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक करते हैं, लेट्स सी, डेक में पहले शफल कर चुकी थी, एक और दफ़ा चेक कर लेते हैं, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज बताइए, थर्ड पार्टी जो भी है, जिस भी तरह की है थर्ड पार्टी इस सिचुएशन में, उसकी करंट एनर्जी बताइए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द टावर, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थर्ड पार्टी या तो ट्रैवल करना चाहती है, एंड विद द सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इट्स अ वेरी बिग साइन कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन जो भी बीच में है, बहुत तगड़ा किस्म का इन लोगों की लड़ाई हुई है, बिकॉज शायद स्ट्रगल बहुत की थर्ड पार्टी ने कि लाइफ में सेटलमेंट आ जाए, लेकिन जो हाँ, एस ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक आपके पर्सन ने बहुत क्लियरली थर्ड पार्टी को बता दिया है कि ही और शी इज़ इन लव विथ यू, दे आर अट्रैक्टेड, अपना डिसीजन सुनाया है। तो डिसीजन सुनाने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हुई है वो ये कि थर्ड पार्टी ने फिर ये सोचा है, जो उनकी करंट एनर्जी नज़र आ रही है, कि अपनी ज़िंदगी का पीस देखा जाए। ठीक है, ये एक बिटर रियलिटी है जो पता चली कि इनकी ज़िंदगी में कोई है, और अगर कोई है इनकी ज़िंदगी में तो फिर अपनी काफ़ी लड़ाई हुई है इस न्यूज़ के डिस्क्लोज़ होने पर, काफ़ी ठीक ठाक दोनों के दरमियान टावर मोमेंट आया है जिसने इनकी ज़िंदगी के सुकून को हिला के रख दिया। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दोनों एक दूसरे के साथ सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से या सोशल इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। फाइनेंसेस एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को अलग नहीं कर रहे हैं या एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं, बिकॉज इस सिचुएशन में इन दोनों के लिए हर चीज़ मौजूद है, कभी सेंटिमेंट तो कभी ज़रूरियात, कभी जज्बा तो कभी सोचें, और ये चारों चीज़ें मिलकर इन दोनों की ज़िंदगी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाती है। आई डोंट नो वेदर दे आर मैरिड, दे आर सिबलिंग्स, दे आर पेरेंट्स चिल्ड्रेन व्हाटसोएवर, लेकिन कोई फैसला विद द एस ऑफ सोर्ड्स इस रिलेशनशिप में या इस सिचुएशन में आपके पर्सन ने कोई थर्ड पार्टी को बताया है जिसमें तमाम चीज़ें हिल गईं। लेकिन थर्ड पार्टी विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून या तो इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रही है ट्रैवल करके, या इसने पहले ही कुछ इस तरह का प्लान किया हुआ था कि किसी तरीके से ये लोग डिफरेंट जगह पर शिफ्ट हो जाएं, ट्रांसफ़र हो जाएं, मूव कर जाएं, ट्रैवल कर लें, लेकिन उससे पहले ही ये धमाका हो गया, और अब उस धमाके में थर्ड पार्टी भी काफ़ी हिली हुई है कि ये बीच में क्या न्यूज़ पता चली कि अभी तो हम ज़िंदगी की एक पीसफुल जर्नी पर ट्रैवल कर रहे थे और बीच में पता चला कि जैसे कोई है। कोई तो ऐसी चीज़ हुई है इन दोनों के दरमियान
जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आया है, लेकिन इस टावर मोमेंट को भी थर्ड पार्टी ने डाइजेस्ट और इस वजह से किया बिकॉज दे वॉन्टेड टू डिवेलप द लाइफ, दे वॉन्ट टू प्रोग्रेस द लाइफ, दे वॉन्ट टू मूव इन दिस लाइफ, बिकॉज विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगर मोहब्बत नहीं तो प्रैक्टिकलिटी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बाकी तमाम चीज़ें ना हो तो दिखावा इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको ये फैसला भी राज दिए कि इनके होते हुए भी थर्ड पार्टी कोई मौजूद है तो लेट इट बी, ठीक है। नाउ लेट सी जो आपकी रीडिंग निकली थी, आपकी एनर्जी जो रिवील हुई उसमें आपका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, आपकी करंट थॉट्स क्या हैं। यू वर्सेस थर्ड पार्टी में दोनों ही मुश्किल में लग रहे हैं, आप खुश होते हुए भी खुश नहीं हो पा रहे, वो सेटल होते हुए भी सेटल नहीं हो पा रहे, आप जिस तरीके से जिम्मेदारियों में उलझे हुए हैं वो इस सच्चाई में उलझे हुए हैं। पेशेंस, चेंज, प्लेफुलनेस, ओके। देखिए आप के थॉट प्रोसेस में एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आप इस वक्त इस टाइम को ना विद द फूल कार्ड, जैसे आप अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मैंने आप मेकओवर की बात की, आपको अच्छा लग रहा है। एम्प्रेस कार्ड और पेशेंस कार्ड दो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज हैं कि गुड न्यूज है। अब गुड न्यूज किसी भी फॉर्म में हो सकती है भाई, प्रेगनेंसी की तो गुड न्यूज होती ही होती है, फर्टिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट केस के आपका कोई ऐसा प्रोसेस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ऐसा कुछ ट्रीटमेंट हुआ है जिसके अंदर फर्टिलिटी का एक बहुत बड़ी रीज़न थी, शायद आपको अप्रोच इसलिए किया गया, यहाँ पर शायद हो सकता है बच्चे ना हो रहे हों एंड दे वॉन्टेड टू गो फॉर अ सेकेंड मैरिज। ये एक बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज है क्योंकि वहाँ एम्प्रेस का कार्ड आया है और यहाँ पेशेंस का कार्ड आया है एंड द लेडी इज एक्सपेक्टिंग। सो ये सबके लिए नहीं था, स्पेसिफिक मैसेज था, सुपर स्पेसिफिक मैसेज था, हर सिस्टर किसी के साथ नहीं जाएगा, बट ये जो चीज़ है ये आपको एक कॉन्फिडेंस दे रही है, आप अपने अंदर एक बैलेंस फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है ओके फाइन, अपार्ट फ्रॉम सारी जिम्मेदारियाँ मेरी लाइफ में भी बैलेंस आ सकता है, मेरी लाइफ में भी ये चेंज आ सकता है, मेरी फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज में बैलेंस आ सकता है, मुझे राइट है, मुझे भी हक है कि मैं जो हूँ वो अपनी लाइफ को इंजॉय करूँ, फ्लर्ट करूँ, रोमांस करूँ। मतलब आप एक तरीके से अपने आप को इजाज़त देते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको ख़ुद भी इजाज़त है कि आप जी सकते हैं कुछ, क्योंकि पहले भी मुझे ऐसा लग रहा था जो जिम्मेदारियाँ आपकी हैं उसमें आपको कभी अपने लिए टाइम नहीं मिला, और अब जब आपको ये रिश्ता आपके हाथ आया है तो आपको लगता है कि इट्स अ गुड फीलिंग एंड यू आर थिंकिंग अबाउट लाइफ। अब मैं अगर इस कार्ड को देखूँ तो आप लाइफ में सेटल होने के लिए भी सोचने लगें कि हाँ मेरी भी फैमिली हो, मेरे भी बच्चे हो, हर कोई मुझसे अफेयर ही चलाता है, हर कोई मुझे गलत तरीके से ही लेता है, अब मैं चाहती हूँ या अब मैं चाहता हूँ कि मैं लाइफ में सेटल हो जाऊँ। डेफिनेटली मेल तो प्रेग्नेंट नहीं होंगे बट इवन देन, नाउ लेट्स सी, आप इस वक्त इस एनर्जी को बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, आप इस मोमेंट को बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, आप फ्लर्ट करना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, इवन आपको आप चाहते हैं आपको कोई ना पहचाने, आपके चेहरे पे एक मास्क चढ़ा हुआ और आप घूमें फिरें, हल्ला गुल्ला करें, डांस करें, हैंग आउट करें, खूब इन्जॉय करें, बिकॉज जो चेंज है टू एक्सेप्ट दैट समवन लव्स यू, दिस इज़ द बिगेस्ट चेंज विच यू रियली वॉन्ट टू इन्जॉय। नाउ लेट सी कि थर्ड पार्टी के थाट्स प्रोसेस क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी की करंट थाट्स क्या हैं। फ्रेंडलीनेस, हीलिंग, द बर्डन। डेफिनेटली जो थर्ड पार्टी के साथ टावर मोमेंट आया है, थर्ड पार्टी अपने आप को काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड करती हुई नज़र आ रही है, खुद ही अलाइन करती हुई नज़र आ रही है, और म्यूचुअल और एक जो म्यूचुअल एनर्जी आई है वो पॉलिटिक्स की आई है। दैट मीन्स कि आपके पर्सन दोनों जगह पर बड़े तरीके से जो है ना वो रायता फैला रहे हैं। आपकी थर्ड पार्टी अपने पार्टनर के साथ इस बात पर अग्री है कि मुझे लाइफ में रखो और फ्रेंड की तरह ही रखो, आई एम ओके विद इट, मुझे कोई मसला नहीं है। ये शायद इन्होंने प्लान कर लिया है या ये इनके माइंड में चल रहा है कि मैं लाइफ से तो नहीं निकलूं, मैं तो लाइफ में रहूं, मैं ना छड्डूं। और जो तकलीफ़ इस न्यूज़ के पता चलने के बाद मुझे लगी है या हुई है
उसको मुझे खुद ही ठीक करना है, क्योंकि मैं चांस पर से जाने तो नहीं दूंगी या जाने तो नहीं दूंगा। दूसरा ये कि मैं इतनी जिम्मेदारियों में इनको फंसा दूं विद द बर्डन कार्ड कि ये उसी डायरेक्शन में मूव करें जिस डायरेक्शन में मेरा इनको चलाना हो। तो लोडेड तो है, थॉट प्रोसेस बहुत हैवी है, बिकॉज थर्ड पार्टी अपने एंड पर ये सोच रही है कि शायद वो ये चीज़ डिज़र्व नहीं करती थी, लेकिन जिस तरह का भी सिचुएशन हुआ है, जो भी हुई है चीज़, वो थर्ड पार्टी, क्योंकि देखें आपकी अपनी पोजीशन अपनी जगह है, ये तो असल काम इन मौसूफ का है या मौसूफा का जिन्होंने बीच में ये चीज़ें की हैं। बट विद द पॉलिटिक्स कार्ड ये ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि ये कुछ इधर पूरा नहीं बताते और ये कुछ इधर पूरा नहीं बताते, ये बताती भी हो सकते हैं, आप जेंडर अपने हिसाब से ले लें, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं दोनों जगह पर मुफाद है। तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ें पॉलिटिकली प्ले कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, दो फेजेस लेकर चल रहे हैं, एक जगह डेविल बने हुए हैं तो एक जगह पपेट बने हुए हैं, तो दैट मींस कि ये दोनों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, व्हाट आर योर फीलिंग्स, यू वर्सेस देम पे हम रीडिंग कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, ठीक है, किसी फ्रेंड ने आपको मिलाया है, हनीमून, आप लोग वेकेशंस पर गए हैं या आप लोग वेकेशन प्लान कर रहे हैं, आप लोग लिटरली अकेले ट्रैवल करते हैं, अकेले घूमे हैं, शायद इसी वजह से ट्रिंग ट्रिंग ट्रोंग ट्रोंग न्यूज़ आ गई, और जितना टाइम आपने एक दूसरे को दिया उसमें और ज़्यादा बॉन्ड जो है वो डीप हुआ, और एक प्रोग्रेशन फेज़ ये हुआ कि आप लोगों ने लिटरली कोई ट्रिप प्लान किया, आप लोग छोटे से टूर पर कहीं निकले, आपको 2 से 3 दिन बड़े प्राइवेट मिले एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के, और ये आपकी फीलिंग्स में भी हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये रियली वांटेड टू, यू नो, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस एनर्जी में, और आपको है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी ज़िंदगी में जीने का मौका मिला तो मैं इसको फुल फ्लेज वे में इसी तरीके से गुजारूँ कि मैं टाइम भी दूँ, हम एक दूसरे को जाने भी बहुत अच्छे तरीके से, एंड वी शुड गो समवेयर टू स्पेंड सम गुड क्वालिटी टाइम, ये आपकी फीलिंग्स हैं। नाउ लेट्स सी कि थर्ड पार्टी की क्या फीलिंग्स चल रही हैं। फाइनेंसेस एंड करियर, इनकी तो रीज़न बहुत क्लियर समझ में आ भी गई थी कि अगर ये इनके साथ ताल्लुक़ ना भी ख़त्म करें तो उसके पीछे रीज़न यही है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कुछ चीज़ें सोसाइटी को दिखाने के लिए हैं और कुछ प्रैक्टिकलिटी को, इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए कि ज़िंदगी में कोई और है, लेकिन फिर भी लाइफ से निकल कर हार नहीं माननी। हीलिंग फैमिली इशूज़, बर्डन कार्ड से ये बात हो गई कि ये आपके पर्सन को इस तरह से थर्ड पार्टी फंसा देगी कि हर चक्रम के बाद इनको ये ख्याल आएगा कि नहीं भाई ये तो फैमिली का एक भुकेड़ा था, इसको निपटाना है, फिर कहीं घूम फिर कर अच्छा सा टाइम स्पेंड करके फिर ये वापस थर्ड पार्टी की तरफ गए, ओ भाई बच्चों की फ़ीस देनी है, फिर ये थर्ड पार्टी के साथ आपके साथ कहीं घूम फिर कर कुछ अगर, ओ भाई बिजली का बिल आ गया यानी थर्ड पार्टी इनको तिगनी का नाच नचा के रखेगी। अपार्ट फ्रॉम जोक्स अपार्ट, उसके अलावा भी ये एक ऐसा पैटर्न हो सकता है कि पर्सन के लिए ये बुरी बात नहीं है, बिकॉज पर्सन ने शायद अपनी फैमिली में इस तरह की चीज़ों को होते हुए देखा है कि भाई इस्लाम में तो 4 भी जायज़ हैं और लोग तो वैसे भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं, तो ये इनको एक ऐसी बात हो सकती है। और ये मैं कोई फीमेल के डिफेंस में रीडिंग नहीं कर रही, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ एक मेल कैरेक्टर दो बच्चों के बीच में नज़र आ रहा है, इसीलिए मैं इसको ये बात बता रही हूँ, अदरवाइज़ ये खातून भी हो सकती हैं। ठीक है, तो म्यूचुअली आप दोनों के दरमियान ट्रू लव, दैट मींस कि आपको भी यही लगता है और थर्ड पार्टी को भी यही लगता है कि ये ट्रू लव है। ठीक है, नाउ लेट्स सी आप लोगों की सोसाइटी वाइज आप लोगों की पोजीशन क्या है, सोशल लेवल पर आप लोगों की पोजीशन क्या है, यू वर्सेस थर्ड पार्टी में आपकी पोजीशन क्या है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, पैसा आने वाला है आपके पास, अनएक्सपेक्टेडली आएगा, रेगुलर इनकम से हट के कहीं से अमाउंट आएगा, एंड यू विल बी सरप्राइज, दैट्स अ गुड कार्ड। लेट सी थर्ड पार्टी की तरफ क्या है जनाब, ऑक्यूपेशन, थर्ड पार्टी अपनी स्किल पर काम करेगी, बिकॉज जो न्यूज़ रिवील हुई है उससे तो यही लग रहा है, म्यूचुअली ये तो आना ही था कि थर्ड पार्टी आपके जो पर्सन हैं वो दोनों के मुतालिक सोचते रहते हैं, आप उनकी सोचों पर ज़रा ज़्यादा हावी हैं और थर्ड पार्टी ये चीज़ नोटिस कर सकती है। थर्ड पार्टी क्वाइट है, साइलेंट है, अपनी काम में लगी रहती है, लेकिन सेंस तो कर सकती है कि दे आर नो मोर इन योर पर्सन लाइफ, जो कि हार्ट ब्रेकिंग है ऑब्वियसली,
लेकिन आप अपनी जगह सही हैं, बिकॉज आपने किसी को दावत थोड़ी दी थी, जो कुछ भी आया है हुआ है, इट जस्ट हैपेंड। ठीक है जनाब, तो यू वर्सेस थर्ड पार्टी की आज मैंने रीडिंग की है, आपकी एनर्जी, आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपकी सोसाइटी पोजिशन, थर्ड पार्टी की रीडिंग, थर्ड पार्टी की एनर्जी, उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनकी सोसाइटी पोजिशन और म्यूचुअली जो कुछ भी चलता चला आ रहा है। इस पूरे रीडिंग में एम्प्रेस का कार्ड ट्वाइस आया है, मुझे बहुत पॉसिबिलिटी लग रही है कि इट्स अ मैटर ऑफ फर्टिलिटी। अगर ये पर्सन आपको अप्रोच कर रही हैं या कर रहे हैं तो दे वॉन्ट फैमिली। औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैमिली किसी को चाहिए, मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को बच्चा चाहिए, एंड म्यूचुअली देर आर समथिंग जो कि एम्प्रेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं किसी इंसान को अपनी ग्रोथ चाहिए है, वो स्टेगनेंट होते हुए मसले में फंस गया है, उसको आगे बढ़ना है। एट ऑफ सोर्ड्स में आप भी फंसे फंसे हैं, सिक्स ऑफ सोर्ड्स में थर्ड पार्टी भी फंसी फंसी है, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स इट हैज़, क्योंकि वो वाली बात होती है जब हम एक ही रीडिंग में दो लोगों की रीडिंग कर रहे होते हैं और फिर थर्ड पर्सन की भी रीडिंग आने लगती है जो कि म्यूचुअली, तो मैसेजेस की बम्बार्टमेंट होने लगती है, कैरी करना, रीडिंग को समेटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने इसको बहुत कोशिश की है कि मैं कंपोज रखूं। अगर कुछ भी आपको मज़ीद पूछना हो, क्लैरिटी चाहिए हो, तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, और कमिंग डेज में मेरे पास लॉन्ग वीकेंड आ भी रहा है तो आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट डिटेल सेशंस एज वेल। नहीं तो आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बट सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।